एक्स वाइफ रीना गई तस्वीर क्लिक करवाने तो सरक गए आमिर खान। सरेआम सबके सामने पहली एक्स वाइफ से दूरी बनाते दिखे। एक्स वाइफ के मुकाबले समधन प्रीतम के ज्यादा करीब दिखे आमिर। बेटी के रिसेप्शन से गायब रही आमिर की दूसरी एक्स वाइफ। आमिर खान की बेटी आयरा की वेडिंग रिसेप्शन में यूं तो आमिर का पूरा परिवार जुटा। अपने खान खानदान संग आमिर खान ने खूब पोज भी दिए, लेकिन पहली बीवी रीना संग दूरी बनाते दिखे आमिर। वेडिंग रिसेप्शन के दौरान आमिर खान का पूरा परिवार समय पर पहुंच गया था और वो अपनी फैमिली संग फोटो क्लिक करवाते दिखे। समधन प्रीतम शिखर संग आमिर ने खूब पिक्चर क्लिक करवाई, लेकिन एक्स वाइफ रीना संग वो दूरी बनाते दिखे। हुआ यूं कि पपराजी को पोज देने के लिए आमिर की एक्स वाइफ रीना उनके नजदीक जाने लगी, लेकिन आमिर उनके पास से हट गए। इसके थोड़ी देर बाद आमिर खान के बेटे आजाद राव खान आ गए और फिर आमिर उनके साथ मीडिया को पोज देने लगे। वहीं आमिर की बेटी और दामाद भी रेड कार्पेट पर आए और फिर आमिर अपनी समधन संग पोज देने लगे, जबकि मिस्टर परफेक्शनिस्ट की एक्स बीवी रीना दामाद संग पोज देती दिखी। आमिर ने इसके बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ फोटो शूट करवाया। इस दौरान उनकी बहनें निखत और फरहत भी थी। भांजे इमरान अपनी गर्लफ्रेंड संग दिखे, वहीं उनकी भतीजी जैन मैरी पति संग नजर आई। आमिर के चचेरे भाई मंसूर खान भी फैमिली संग दिखे। बता दें कि इस फोटो शूट में आमिर खान का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन उनके भाई फैजल खान नजर नहीं आए। साथ ही लोगों को आमिर की एक्स वाइफ किरण राव की भी कमी खली। आमिर ने यहाँ मीडिया को खुद बताया कि तबीयत खराब होने के कारण आयरा की स्टेप मॉम किरण यहाँ नहीं आ पाई। हालांकि किरण राव ने आयरा की शादी की हर रस्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन वेडिंग रिसेप्शन में वो नहीं आ पाई। आमिर खान की उनकी समधन प्रीतम शिखर संग बॉन्डिंग रिसेप्शन के इनसाइड तस्वीरों में भी साफ दिखी। बॉलीवुड के तमाम सितारों से उन्होंने अपनी समधन की मुलाकात करवाई। आयरा और नुपुर के रजिस्टर्ड मैरिज से लेकर वेडिंग रिसेप्शन तक आमिर खान अपने परिवार समेत समधन प्रीतम शिखर का खास ख्याल रखते दिखे। आयरा की शादी में वो एक्स वाइफ किरण राव के साथ ऐसे पेश आए मानो दोनों का तलाक हुआ ही ना हो। वही बेटी की व्हाइट वेडिंग के वक्त एक्स वाइफ किरण संग इमोशनल दिखे। इस दौरान दोनों हाथों में हाथ डाले बेटी की शादी देखते नजर आए। आमिर ने अपनी बेटी की शादी और वेडिंग रिसेप्शन में दिल खोल कर खर्चा किया। करीब 15 दिनों तक आयरा और नुपुर की शादी की रस्में चली। वहीं बेटी की शादी के बाद अंबानी के फेमस सर्जियो वर्ल्ड सेंटर में आमिर ने बेटी की शादी का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन दिया और करीब 2500 मेहमान इस फंक्शन में शामिल हुए। बता दें बीते 3 जनवरी को आयरा खान ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड नुपुर शिखर से रजिस्टर्ड मैरिज की थी। इसके बाद 10 जनवरी को उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग भी की। ये दोनों फंक्शन पूरी तरह प्राइवेट थे, इसमें फैमिली और करीबी लोग ही मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।